कंट्रोवर्सी नहीं। उसने हार्ट वाले दिल का इमोजी भी भेजा। मत देखो सर, उसमें उसकी पिक्चर है। सच में? सच में। अरे आजकल ये सब तो बहुत कॉमन है, आप लोग काहे इतना चिंता कर। जब गलती इसकी है तो मुझे क्यों मार रहे हैं? जब वो ये सब कर रहे थे तो तुम कहाँ थे? आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। अरे तुम औरत लोग कब बदलोगी? कब तुम अपने भाई लोगों को सिर्फ इसलिए मारती हो क्योंकि अपने पतियों को नहीं मार सकती? अगर बंटू सच नहीं बोलता तो वो भाग क्यों रहा था? तो ठीक है, मैं तुम्हारे सुनती हूँ, मुझे बताओ। आज के लिए काफी नहीं हो गया? मेरे साथ आओ। पापा जी। बताओ। आपकी अपने पति से नहीं बनती। बंटू मेरे साथ आओ। पापा तुम्हें कैसे पता? आपने जब पहली बार अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तब मैं यहाँ था, मैं तभी समझ गया था। पति और पत्नी बहुत कुछ झेलते हैं, वो कभी दरवाजा खोल लेंगे या बंद कर लेंगे, उनकी मर्जी। अगर कोई नया नया कपल दरवाजा बंद करता है इसका मतलब उनकी बात कुछ पर्सनल है, पर अगर वे 25 साल बाद भी दरवाजा बंद करते हैं इसका मतलब ये है कि वे नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि उनकी बनती नहीं। वो 6 बजे घर आता है चाहे वो कितना भी बिजी हो, इसीलिए वो दिखाने में लगा रहता है कि उसकी जिंदगी बस परिवार और काम के आसपास घूमती है। और जब कोई आदमी इतनी मेहनत कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कुछ पहले जरूर गलत किया था। क्या बताओ? मेवती। सात साल पहले उनकी सेक्रेटरी 1 महीने की नौकरी के बाद ही उसने इस्तीफा दे दिया था। तब दुख की बात है कि हर कोई जानता है, पर हर कोई ये दिखावा करता है कि कुछ भी नहीं हुआ। पापा भी। तुम्हें क्या लगता है सच बोलकर तुम बहुत महान बन जाओगे? जब बच्चे खाना नहीं खाते तो उन्हें डरावनी कहानी सुनाई जाती है, तो कहीं गलत हो गया? किसी से प्यार करके देखो, पता चल जाएगा झूठ क्या होता है। वो भी अपने बड़े हो चुके बच्चे से कहती हैं कि अगर वो नहीं खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, वो उससे झूठ नहीं बोलेंगी। आपको पता चल जाएगा जब आप किसी से प्यार करते हैं तो झूठ क्या मायने रखता है, पर आपको पता चल जाएगा जब आपका प्यार कितना मजबूत है जब आप सच बताते हैं। ये मुश्किल हो सकता है, पर सच पर बना एक रिश्ता चट्टान की तरह होता है सर। पांच बज गए, मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, क्या इससे ये मसला खत्म हो जाता है या ये कल भी जारी रहेगा? जाओ। फिर मिलते हैं सर। फिर मिलते हैं मैम। वो तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी नहीं थी, ना तुम्हारे जैसी खूबसूरत, या तुमसे बेहतर किसी भी चीज में, शायद इसीलिए मैंने उसे पसंद किया। मेरी हीन भावना की वजह से। क्या ये मेरी गलती है कि मैं अपना बेस्ट बनने की कोशिश की? क्या इसीलिए तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो? क्या मैंने कभी भी उसकी तुलना खुद से की? But dear, don't I deserve a sorry after all these years? इससे पहले कि आप ये साबित करने की कोशिश करें कि आप मेरे लिए सही मैच है, अब आप सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों रामू? क्यों? आपको मुझे कुछ भी साबित क्यों कर